आज सीखेंगे गिव वाले पांच फ्रेंच वर्ड्स, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये सभी वर्ड्स हमारे डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आज के लेसन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला वर्ड है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना या त्याग देना। जैसे अगर आपको कहना हो कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गिव अप योर बैड हैबिट्स, यानी अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। अगर आपको कहना हो कि स्मोक करना छोड़ दो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे गिव अप स्मोकिंग, यानी स्मोक करना छोड़ दो। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई हैव गिवन अप टेलिंग अ लाई, यानी मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। गिव अवे का मतलब होता है बांटना। जैसे अगर आपको कहना हो इनाम चेयरमैन के द्वारा बांटा जाएगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द प्राइज विल बी गिवन अवे बाय द चेयरमैन, यानी चेयरमैन के द्वारा इनाम बांटा जाएगा। अगर आपको कहना हो कि मैं इनाम बांटूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल गिव द प्राइज अवे, यानी इनाम मैं बांटूंगा। कई बार आप अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, जैसे वे अपनी जायदाद बांटना चाहते हैं या वे अपनी जायदाद का बंटवारा चाहते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कह सकते हैं दे वॉन्ट टू गिव देयर प्रॉपर्टी अवे, यानी वे लोग अपने जायदाद को बांटना चाहते हैं या अपनी जायदाद का बंटवारा चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने दूसरा वर्ड समझा कि गिव अवे का मतलब होता है बांटना, गिव इन का मतलब होता है राजी होना या किसी बात को मान लेना। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह बहुत जिद्दी है, वह राजी नहीं होगा या वह बात को मानेगा नहीं, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे He is very stubborn, he will never give in, यानी वह बहुत जिद्दी है, वह कभी भी राजी नहीं होगा या कभी भी बात नहीं मानेगा। अगर आपको कहना हो कि वे लोग इसके लिए राजी हो गए या मान गए, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे गेव इन फॉर दिस, यानी वे लोग इसके लिए राजी हो गए या मान गए। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने बात समझा कि गेव इन का मतलब होता है राजी होना या मान जाना। गिव बैक का मतलब होता है वापस करना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं इसे जल्दी वापस कर दूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल गिव इट बैक सून, यानी मैं इसे जल्दी वापस कर दूंगा। अगर आपको पूछना हो कि आप मेरा किताब वापस कब करेंगे, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे When will you give my book back? यानी आप मेरा किताब वापस कब करेंगे? तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने इस बात को समझा कि गिव बैक का मतलब होता है वापस करना। गिव अवे का मतलब होता है गिर जाना या ढह जाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि बरसात के दौरान यह घर गिर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस हाउस गेव वे ड्यूरिंग रेन्स, यानी बरसात के दौरान ये घर गिर गया। अगर आपको कहना हो कि पुल अचानक से गिर गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द पुल गेव वे सडनली, यानी पुल अचानक से गिर गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वर्ड्स आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इन सभी वर्ड्स को अच्छे से सीखा, तो क्या आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा वर्ड आपको सबसे अच्छा लगा? कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे फ्रेंच वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।